अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ आपने सुनी ही होंगी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि सीता माता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनके सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान जी उसे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के विषय में कई बार पढ़ा गया है और उससे भी ज्यादा बार हमने सुना है, वे दरअसल क्या हैं और इन सिद्धियों का रहस्य क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आइए इस वीडियो में हम इसे जानते हैं। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अनिमा है, जिसका अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। जिस प्रकार से हम नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अनिमा सिद्धि प्राप्त करने से दूसरा कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। मतलब कि जब हम चाहें हम एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। अनिमा सिद्धि के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि से जब हम चाहें तब हम अपने शरीर को असीमित विशालता प्रदान कर सकते हैं। हम अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने अपने रूप को 100 योजन से भी बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत ही विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करके हम अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारा आकार तो सीमित रहेगा, परंतु भार इतना बढ़ जाएगा कि उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं पाएगी। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लिया था। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। एक समय की बात है कि भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ यूं ही रास्ते में पड़ी है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वो अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं ही हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इसी प्रकार भीम का घमंड टूट गया। बाद में उन्हें पता चला कि वो कोई साधारण वानर नहीं, वो हनुमान थे। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने आप को बिल्कुल ही हल्का बना देते थे और पल भर में ही वे कहीं पे भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए थे। इन्हीं पत्तों पर बैठे बैठे उन्होंने सीता माता को अपना परिचय दिया था। अगली सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि से हम बिना रोक टोक किसी भी स्थान पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं।
हम अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सम्मुख अदृश्य होकर कहीं पर भी जाना चाहें हम जा सकते हैं। हमें कोई भी देख नहीं पाएगा। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे और आने वाले समय को देख लेते थे। रामायण में इस सिद्धि को प्रयोग करके हनुमान जी ने सीता माता की खोज की थी। उन्होंने कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और इसी सिद्धि से उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। प्रकाम्य, इस सिद्धि से हम किसी की भी मन की बात सरलता से समझ सकते हैं। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात अभिव्यक्त करे या ना करे, पर हम उसके मन की बात समझ सकते हैं। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में, पाताल में जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी की भी देह को धारण कर सकते हैं और इसी सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। ईशत्व, ये भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात हम स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। हम दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशत्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इसी सिद्धि के कारण उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इसी सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते थे। वशित्व प्राप्त करने से हम किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकते हैं। हम जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकते हैं या किसी की भी पराजय का कारण बन सकते हैं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण ही हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते थे और हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता था। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। तभी तो हम कहते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।